देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम क्या देखेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे सभी प्रकार के लगभग जो टाइप्स हैं रिसर्च की, आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे, देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखिए डिस्क्रिप्टिव वर्सेज एनालिटिक, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो हो गई हमारी रिसर्च जो डिस्क्रिप्टिव होती है, एक होती है एनालिटिक, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसको डिस्क्रिप्टिव को देखते हैं क्या है। देखिए मेक्स प्रॉपर एंड लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट टॉपिक और प्रॉब्लम बाय कॉलिंग ट्रू रियलिस्टिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन थ्रू सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग्स इंक्वायरी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले मतलब क्या है डिस्क्रिप्टिव का, यानी कि डिस्क्राइब करना। हम जो भी कोई रिसर्च है उसको पहले डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि विस्तार पूर्वक लिखेंगे, उसका वर्णन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हम ऐसी रिसर्च करने जा रहे हैं जिसको हम वर्णन करते हैं, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं विस्तार पूर्वक, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वो होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि रिसर्च को व्यापक स्तर पर क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए कि नेक्स्ट है, इट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहा जाता है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए एक्स पोस्ट फैक्टो को क्या कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन उल्टा आ जाए कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को और क्या कहा जाता है, तो आप इसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कह सकते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मैथड रिसर्चर हैज़ नॉट एनी कंट्रोल ओवर द वेरिएबल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है उसका वेरिएबल के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता फ्रेंड्स। वेरिएबल क्या होता है, जो चीज़ जो इसको हिंदी में चर कहते हैं, यानी कि ये हमेशा बदलते ही रहते हैं, इसलिए इसका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। रिसर्चर गिव्स रिपोर्ट व्हाट हैज़ हैपन एंड व्हाट इज़ हैपनिंग। रिसर्चर अपनी रिपोर्ट बनाता है कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है इसके ऊपर रिपोर्ट। मान के चले कि रिसर्च जो रिसर्चर है वो शोध करता है, जो रिसर्चर है वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, तो वो देखेगा कि क्या हुआ है, यानी कि जो टॉपिक उसने लिया है वो देखेगा क्या हुआ है और क्या हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। दिस मैथड ऑफ रिसर्च यूटिलाइज सर्वे कॉम्पेटिटिव एंड कोरिलेशन मैथड, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैथड क्या है, इसमें ये सर्वे है यानी कि सर्वेक्षण, कॉम्पेटिटिव है यानी कि तुलनात्मक, और कोरिलेशन यानी कि आपसी में सहसंबंध का उपयोग करती है, यानी कि अनुसंधान, यानी कि इसमें क्या है कि जो रिसर्च की जो विधि है ये तीनों पर निर्भर है, तीनों का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है, ये सर्वे का, कंपैरेटिव का और कोरिलेशन मेथड का। यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो सर्वे, कंपैरेटिव और कोरिलेशन मेथड से मिलकर बनता है, या इसमें इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च उसे ही कहा जाता है जिसको हम डिस्क्राइब करें, जिसे हम प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से जिसको हम डिस्क्राइब करें, जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में काफ़ी जो है वो अच्छी अच्छी बातें लिखी हों और काफ़ी जो व्यापक स्तर पर बातें लिखी हों डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी रिसर्च ऐसी होती है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा दिया होता है, तो जिसके में बहुत जल्दी समझ में आता है वो, अच्छे से समझ में आता है, काफ़ी गहराई से समझ आता है, उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट आ गया एनालिटिक रिसर्च। एनालिटिक फैक्ट्स ऑफ और इंफॉर्मेशन दैट विच ऑलरेडी अवेलेबल, दिस रिसर्च डिपेंड ऑन सेकेंडरी डाटाबेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है क्या, देखिए एनालिटिक रिसर्च क्या है, जिसे हम एनालाइज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जो डाटा पहले से ही उपलब्ध होता है उसके बारे में जानकारी होती है। मान के चलिए कि अगर कोई रिसर्चर किसी की चीज़ के ऊपर जो कोई रिसर्च कर रहा है, अब इसके ऊपर पहले से ही उसके बारे में जो डाटा रिसर्च हो चुकी है, उसके पास जो डाटा है, तो उसको इसमें, इसको भी यानी कि सेकेंडरी डाटा को भी इसमें देखना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि इसमें है क्या, एनालिटिक रिसर्च में है क्या कि जो डाटा पहले से ही उपलब्ध है उसके बारे में भी जानकारी देता है। आप ये देखिए कि अगर कोई हम किसी टॉपिक के ऊपर कोई रिसर्चर जो रिसर्च करता है, तो अगर वो न्यूज़पेपर की हेल्प ले रहा है या किसकी हेल्प ले रहा है, तो वो सेकेंडरी डाटा हो गया ना उसके पास, तो उससे भी जानकारी जो उपलब्ध होगी उसको भी वो एनालाइज करके देखेगा,
ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सरकार की या गवर्नमेंट की कोई भी नीतियाँ अगर बनती हैं तो रिसर्चर देखते हैं ना कि पहले आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले या 50 साल पहले कौन सी नीतियाँ थी, आज कौन सी थी। तो उस कैंडिडेट डाटा हो गया ना जहाँ से वो प्राप्त करेगा, वो लेगा, वो देखेगा एनालाइज करके कि आज तक यानी कि क्या हो चुका है। ठीक है, पहले कोई तरक्की नहीं थी, आजकल देखिए हर जगह पे ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, तो वो एनालिसिस हो गया ना ये पूरा करके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आ गया अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च है क्या, देखिए रेफर्स एंड एक्शन रिसर्च। देखिए अप्लाइड रिसर्च जो है वो एक्शन रिसर्च का ही पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्शन रिसर्च को करता है। देखिए फ्रेंड्स, अप्लाइड रिसर्च इज दैट रिसर्च विच एम टू फाइंडिंग सोल्यूशन और विद सर्टेन कंक्लूजन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग बाय सोसाइटी कॉर्पोरेट सेक्टर। देखिए अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या होता है कि हम जब चीज़ों को अप्लाई करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मान के चलिए कि अगर किसी सोसाइटी में किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है फ्रेंड्स, उस सोल्यूशन को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हम रिसर्च है, जो हम समस्या का हल ढूंढेंगे उसको अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान के चलिए कि एक सोसाइटी है, एक जगह है जहाँ पे सारे बच्चे जो है अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा जहाँ बेरोजगारी है, तो मेन मोटिव क्या है कि पढ़ा लिखा नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, उनको काम नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि उनको कैसे काम दिया जाए जिससे उनकी गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, है ना। तो उसके ऊपर जो है रिसर्च करके देखेंगे कि किन किन फैक्ट की जो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, फिर उसको अप्लाई करके देखेंगे। अप्लाई करने से क्या होगा कि क्या उसमें सुधार हो पाएगा, तो अगर सुधार होगा तो प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। यानी कि अप्लाइड रिसर्च है क्या, तुरंत एक्शन लेना किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, अप्लाइड रिसर्च का क्या मतलब होगा कि किसी चीज़ के ऊपर तुरंत एक्शन लेना। ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है अप्लाइड रिसर्च, यानी कि अप्लाई करके देखना। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज इन अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च डिस्कवर्स ए सोल्यूशन फॉर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सच एज आइडेंटिफाइंग सोशल, इकोनॉमिक और पोलिटिकल ट्रेंड्स दैट अफेक्ट सोसाइटी और पार्टिकुलर फॉर्म। देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो अप्लाइड रिसर्च है उसमें क्या किया जाता है कि जो प्रॉब्लम है, कुछ जैसे प्रॉब्लम आती हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसका समस्या का सोल्यूशन ढूंढना या समाधान ढूंढना। अब देखिए कि कई सोशल, इकोनॉमिक यानि कि कुछ सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल यानि कि राजनीतिक, ये कई तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये सोसाइटी को हमेशा अफेक्ट करती रहती हैं, चाहे एक सोसाइटी हो चाहे फर्म हो, उसको हमेशा ही अफेक्ट करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनको इनकी जो समस्या, इनकी जो प्रॉब्लम आती हैं, इनको दूर कैसे किया जाए, उसको अप्लाई करके देखना। अब हम कहें कि हमारी सोसाइटी में सभी एक समान हो, समानता हो, सभी है ना, वो हो गया सोशल यानि कि सामाजिक समानता हो, फिर उसमें क्या हो गया कि इकोनॉमिक तौर पे ऊपर सभी को काम मिले, पॉलिटिकल तौर के ऊपर क्या होगा सभी को ये अधिकार मिले। अब कहने के बाद तो ये हो गई कि हमने कह दिया, पर वो वाकई में कैसे समानता आएगी, कैसे इक्वालिटी आएगी इन जगह के ऊपर, चाहे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल को, हमें उसके ऊपर अप्लाई करके देखना पड़ेगा। अब ये मानते हैं कि सभी को काम मिलना चाहिए, तो सभी को काम मिलना चाहिए, वाकई ही काम कैसे मिलेगा वो अप्लाई करके देखना पड़ेगा ना। तो ये बात होगी अप्लाइड रिसर्च की, मतलब कि ऐसा शोध या ऐसी रिसर्च जिसमें समाज की जितनी भी प्रॉब्लम है, एक सोसाइटी की जितनी प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए जो हम एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक चीज़ें क्रिएट करते हैं, उसको अप्लाइड करके देखना, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जाए, उसे कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। अब नेक्स्ट आ गया है फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हिंदी में मौलिक अनुसंधान भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या देखें, रेफर्स एज बेसिक और प्योर और थ्योरेटिकल रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च इज मेनली कंसर्न विद सिंप्लीफिकेशन एंड विद फॉर्मुलेशन थ्योरी। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जो फंडामेंटल रिसर्च है उसे मुख्य रूप से सरलीकरण यानी कि जो आसानी है उसके साथ, और जो सिद्धांत निर्माण है यानी कि फॉर्मेशन थ्योरी है उसके साथ जोड़ के देखा जा सकता है। यानी कि देखिए कि हम किन किन सिद्धांतों पे, किन किन थ्योरी पे चलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा हमें जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों को आसानी से अपनाना पड़ेगा, वो होती है फंडामेंटल। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ कंडक्ट फॉर एक्सपेंडिंग द नॉलेज एंड फॉर्मुलेटेड ऑफ न्यू कंसेप्ट, थ्योरी और कंसेप्ट। इसमें क्या होगा
कि नए सिद्धांत या नई थ्योरी और कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल रिसर्च क्या है मैं आपको बता दूँ, जिसे मौलिक भी कहा जाता है। इसमें है क्या, ये एक प्योर यानी कि एक शुद्ध जो है ये रिसर्च होती है। फंडामेंटल की मान के चलिए कि ये अगर कोई रिसर्चर किसी चीज़ के ऊपर नई रिसर्च करेगा, ठीक है, यानी कि मान के चलिए कोई वो पहले जैसे रिसर्च हो चुकी है वो किसी के ऊपर रिसर्च करके देखेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उससे जो नई थ्योरी जो नया कंसेप्ट निकल के सामने आएगा वो हो गया फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मानिए कि एक साइंटिस्ट है या एक डॉक्टर है कुछ भी है, वो मान के चले कि मैं सोसाइटी को रोग मुक्त बनाना चाहता हूँ, सभी प्रकार के रोग जो है वो एक ही दवाई से, सभी प्रकार डिसीजे एक ही दवाई से वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो उसमें कामयाब होता है तो एक नई थ्योरी और कंसेप्ट निकल के आएगा, ठीक है, उसे बोलेंगे फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, पहले बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की। यूज्ड जनरली यूज्ड बाय फिलोसोफर एंड थिंकर टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स और टू इंटरप्रेट देम, एग्जांपल सोशलिज्म, इट इज़ रिलेटेड डेवलप टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी। देखिए कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ये तकरीबन फिलोसोफर और थिंकर के द्वारा यूज़ किया जाता है, इससे क्या है नए कॉन्सेप्ट निकल के सामने आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या हो गया कि हम जैसे कोई रिसर्चर है, कोई थिंकर्स है, वो जैसे कोई नई चीज, जैसे आप देखिए पॉलिटिकल सिस्टम में कोई सुधार जाते हैं तो एक नई चीज़ निकल के सामने आती है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, यानी कि एक ऐसी रिसर्च जिससे एक नया कॉन्सेप्ट सामने निकल के आए, ठीक है फ्रेंड्स, एक नया कॉन्सेप्ट निकल के सामने आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। इसे क्या होगा, एक नया आइडिया भी मिलेगा, एक नई थ्योरी भी मिलेगी। देखिए नेक्स्ट आएगा एम्पिरिकल रिसर्च, आल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। इट ट्रस्ट ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग इग्नोरिंग सिस्टम एंड थ्योरी कमिंग अप विद कंक्लूजन। इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च रिसर्चर कलेक्ट डाटा फैक्ट्स एंड सेटअप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टू प्रूव हिज हाइपोथेसिस एंड गिव रिजल्ट बाय ऑब्जर्वेशन अप्रूव डिसअप्रूव हिज सेट हाइपोथेसिस। देखिए फ्रेंड्स, एम्पिरिकल जो रिसर्च है इसका क्या मतलब है, देखिए इसमें क्या होगा कि आप ये देखिए, इसे पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन रिसर्च भी कहा जाता है, ये तो उसका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिसर्चर होता है, ठीक है, उसे क्या करना होता है कि जो वो रिसर्च कर रहा है बस उसे उस रिसर्च को पूरा करना होता है और एक कंक्लूजन पर पहुँचना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें उसका क्या होगा, इसमें उसका अनुभव होगा, यानी कि इसमें उसका एक्सपीरियंस काम आएगा, यानी कि एक रिसर्चर अगर रिसर्च कर रहा है इसमें उसका जो अनुभव है या उसका एक्सपीरियंस है तो वो उसके बहुत काम आएगा, ठीक है, उसको अपने अनुभव के ऊपर या अपने एक्सपीरियंस के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और उसी के साथ उसको रिसर्च को पूरा करके एक निष्कर्ष पर, एक कंक्लूजन पर पहुँचना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है इसमें वो डाटा को, फैक्ट को इकट्ठा करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, डाटा को, फैक्ट को इकट्ठा करते हैं, जो उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस यानी कि जो अपनी उसने परिकल्पना बना रखी है उसको सिद्ध करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो उस डाटा को निर्धारित करते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब ये है कि मान लीजिए एक रिसर्चर है, एक रिसर्चर ने ठान लिया कि मैं इस चीज़ के ऊपर एक रिसर्च करने जा रहा हूँ, अब वो उसको एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ में, वो एक्सपीरियंस से उस चीज़ को, डाटा को इकट्ठा कर रहा है, फैक्ट को इकट्ठा कर रहा है, अब उसने एक माइंड सेट किया हुआ है इसके ऊपर कि मैं इसको इस हिसाब से रिसर्च को करूँगा, ठीक है, अब क्या वो उसमें सफल हो पाएगा, क्या उसमें वो उसको क्या क्या सोल्यूशन को, उसको प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल पाएंगे, तो जो वो अपने रिसर्च को ख़त्म करके एक एंड में पहुँचता है तो वो देखता है कि जो उसने सोचा था रिसर्च करने के लिए क्या वो उसको पूरा कर चुका है, अगर पूरा कर चुका है तो उसकी जो हाइपोथेसिस है वो सही हो जाएगी, अगर पूरा नहीं कर पाया तो उसकी हाइपोथेसिस गलत हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो उसने सोचा था क्या उसका सलूशन निकल आया है, तो अगर निकलता है तो उसको रिसर्च के एंड में पता चलता है, उसे कहते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च। देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च इज एन एनालिसिस ऑफ इवेंट और पास्ट रिकॉर्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन सोर्सेज विद अ व्यू एंड फाइंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिनोमेना एंड डिस्कवर टू ट्रेंड इन पास्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। द हिस्टोरिकल रिसर्च अप्लाई टू ऑल फील्ड ऑफ स्टडी बिकॉज इट इंक्लूड्स द ओरिजिन ग्रोथ पर्सनैलिटी। देखिए
हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या मतलब होता है कि एक ऐसे रिसर्च जो हमें बीते हुए समय के बारे में बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये मानिए कि जो आजकल चल रहा है, अब हम मान के देखें कि आजकल जो एजुकेशन है वो सारी ऑनलाइन हो चुकी है, तो हम ये मानेंगे कि पहले आज से 50 साल पहले कैसी एजुकेशन थी, कई जगह पर कैसी एजुकेशन थी, है ना। तो हम ये मान के चलेंगे ना कि पहले कैसी थी, आज कैसी है, फ्यूचर में कैसी होने वाली है। अब फ्यूचर में देखो कि जैसे पहले ऑफलाइन एजुकेशन थी, पहले हार्डवर्क था, अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क होने लगा है ना। स्मार्ट वर्क क्या, हार्ड वर्क क्या होता था कि 10 किताबें, एक चैप्टर पढ़ना था, एक कंसेप्ट को पढ़ना था, 10 किताबें ली, उसमें से अच्छे अच्छे पढ़ के 3-4 दिन लगाए, एक कंसेप्ट को पूरा किया। स्मार्ट वर्क क्या है, आपका जो कुछ पढ़ना है आप यूट्यूब पर सर्च मारिए, आपको वही चीज़ आपको 10 मिनट में हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कि बहुत सारा जो काम है सारा ही तकरीबन ऑनलाइन में हो जाएगा, सारे पेपर तकरीबन जो है ऑनलाइन में हो जाएंगे। अभी हो गया ना हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि पहले कैसा था, आज कैसा है और आगे जाके कैसा होगा, वो होती है हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो हमें बीते हुए समय के बारे में बताता है। नेक्स्ट आ गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च कंडक्ट फॉर प्रॉब्लम दैट हैज़ नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड। देखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या मतलब क्या होता है कि हम चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हमें जो प्रॉब्लम है पर हमें वो अभी तक पूरी तरह से पता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ये कैसा है, ये कैसा रिसर्च है जिसमें अभी हमें अपनी प्रॉब्लम को सही से क्लियर नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। कोई रिसर्च करने जा रहे हैं पर उसमें पता नहीं है कि कौन सी प्रॉब्लम है, वो स्पष्ट नहीं हो पाती। इट हेल्प्स ओनली रिसर्च डिज़ाइन डाटा कलेक्शन मेथड एंड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए अगर किसी रिसर्च में कोई प्रॉब्लम का पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या, तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। ये किसके काम आती है, ये काम आती है रिसर्च डिज़ाइन के, डाटा कलेक्शन मेथड के और सब्जेक्ट को चुनने में, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कौन सी रिसर्च है जिसमें यही पता चल, ये पता नहीं चलता कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो बस होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, बस उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पर हमें प्रॉब्लम का क्लियरली पता नहीं चल रहा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डायग्नोस्टिक रिसर्च, इट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल रिसर्च विच एम टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी एंड अकर एंड सोल्यूशन फॉर इट लाइक रिसर्च डन बाई डॉक्टर ऑन ए क्रूशियल डिसीज। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था एम्पिरिकल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जिसमें हमें प्रॉब्लम का सही से पता नहीं था, फिर भी हम उसको कर रहे थे, वो थी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब है डायग्नोस्टिक रिसर्च, इसमें क्या होगा कि हम प्रॉब्लम का पता लगा रहे हैं, पहले हमें पता नहीं था एक्सप्लोरेटरी में, पर डायग्नोस्टिक में उसका हम पता लगा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है वो क्यों है, कैसे है और इसकी समस्या, इसका सोल्यूशन कैसे, हमें समाधान कैसे ढूंढना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे एक डॉक्टर है बहुत भयंकर बीमारी जो क्रूशियल डिसीज होती है, उसको पता लगाने की कोशिश करता है कि किसी मरीज को कौन सी बीमारी है, तो वो रिसर्च करना शुरू कर देता है। तो एक ऐसे ही डायग्नोस्टिक रिसर्च में इस ऐसे ही पता लगाया जाता है, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर होता है ना कि बहुत भयंकर बीमारी क्रूशियल डिसीज हो गई, किसी का पता नहीं चल रहा किसी को प्रॉब्लम है क्या, वो उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है कि बीमारी है क्या, बस यानी कि किसी प्रॉब्लम का प्रॉब्लम को ढूंढना, किसी प्रॉब्लम का पता लगाना, फिर उसका सोल्यूशन को ढूंढना, वो होती है डायग्नोस्टिक रिसर्च। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द ऑथेंटिसिटी एंड रिलेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसर्च, देयर आर मैनी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अब है क्या, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है फ्रेंड। इसमें है क्या, देखिए अगर हमें कोई चीज़, हम ये पढ़ते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ ली सोसाइटी पर लागू होने के लिए ज़रूरी है, ये लागू हो सकती है, पर क्या उस एक्सपेरिमेंट को किए बगैर वो किया जा सकता है। अब ये मान के चलिए कि आप किसी जगह पे भाषण देने जा रहे हो, किसी जगह पर स्पीच देने जा रहे हो, चलो इसको भी छोड़ो, आप ये मान के चलिए कि साइंस ने तरक्की आजकल कितनी कर ली है ना। अब ये कहते हैं कि हाँ अब आप ये देखिए कि जो गैलेक्सी है हमारी, जो यहाँ पे जो हमारा ऊपर जो सौर मंडल है ना, वहाँ पे क्या होगा कि नई तरह तरह की खोजें हो रही हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट करके देखें ना कि कैसे कैसे हो रही हैं, ठीक है। यानी कि जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, हमें पता है कि वो चीज़ ऐसे होनी चाहिए, उसको एक्सपेरिमेंट किए बगैर नहीं किया जा सकता, ठीक है।
तो एक्सपेरिमेंट करने से पता चलता है कि चीज़ें लागू हो सकती है कि नहीं। हमने सोच तो लिया ये सोसाइटी पे लागू हो जाएंगी, है ना, पर उसको एक्सपेरिमेंट किए बगैर नहीं हो सकता। तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च काफ़ी टाइप की हैं। देखिए प्री एक्सपेरिमेंटल, इसमें क्या है कि दिस टाइप एक्सपेरिमेंटल डज नॉट मेक एनी यूज़ ऑफ रैंडमाइजेशन प्रोसीजर टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का रैंडमाइजेशन क्या, रैंडम क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ हम वैसे ही बिना सोचे समझे ऐसे ही उठा ले या बिना सोचे समझे ही ऐसे सोच ले। यानी कि क्या होता है कि इसमें कोई भी जो चीज़ है तो उसे हम रैंडमाइजेशन नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, केस स्टडी डिज़ाइन होती है, वन ग्रुप प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन, इसमें ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो चीज़ हम एकदम उसको रैंडम तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, रैंडम का मतलब होता है कि हाँ आपने बुक उठाई, आपने पहले पहला लेसन पढ़ लिया, फिर दसवां पढ़ लिया, फिर पंद्रहवां पढ़ लिया, फिर दूसरा पढ़ लिया, वो होता है रैंडमाइजेशन। ठीक है, यानी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, केस स्टडी वन ग्रुप होता है और साथ में स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन होता है, क्रॉस सेक्शन चेक होता है पूरा, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है प्री एक्सपेरिमेंटल। क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए रिसर्च कैन कंट्रोल वेरिएबल बट लैक ऑफ रैंडमाइजेशन व्हेन मेजरमेंट इज टेकन। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्च है वो वेरिएबल को कंट्रोल तो कर लेते हैं पर जो रैंडमाइजेशन है उसकी कमी होती है। कब कमी होती है, जब चीज़ों का मेजरमेंट लेना पड़ता है। यानी कि इसके ऊपर जो हम वेरिएबल को कंट्रोल तो कर लेते हैं पर जो चीज़ों को हम जब मेजरमेंट करते हैं, चीज़ों को मापते हैं, उसमें जो रैंडमाइजेशन है उसको उसकी कमी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या होगा, टाइम सीरीज डिज़ाइन, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिज़ाइन। टाइम सीरीज डिज़ाइन में होता है ना कि हमने कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, हम कितने देर में करें उसको, तो टाइम सेट हो जाता है उसमें। ठीक है, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिज़ाइन, काउंटर बैलेंस डिज़ाइन और मल्टीपल टाइम सीरीज डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो हमने चीज़ पढ़ी है वो कितने समय में, जो चीज़ तैयार की कितने समय में तैयार की है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, काउंटर बैलेंस डिज़ाइन का होता है अंतर संतुलित डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है काउंटर बैलेंस डिज़ाइन में कि कुछ डिज़ाइन आप देखिए कि जैसे रिसर्च में कोई चीज़ जैसे करनी होती वैसे हो नहीं पाती, वो क्या होता है कि चीज़ें छुप जाती हैं कई। तो मल्टीपल टाइम सीरीज डिज़ाइन क्या होता है कि हमें जो चीज़ें कई करनी थी हमें वो उसमें काफ़ी समय लग रहा है, हर एक छोटी छोटी चीज़ करने में बहुत समय लग रहा है, तो हर एक चीज़ को इकट्ठा करने में या करने में बहुत समय लग रहा है, वो कहता है मल्टीपल टाइम सीरीज डिज़ाइन। अब देखिए, इन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चर कंडक्ट सेवरल ऑब्जर्वेशन ऑफ सेम सब्जेक्ट सेवरल ए पीरियड ऑफ टाइम, द बेनिफिट ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इज दैट रिसर्चर एबल टू डिटेक्ट डेवलपमेंट और changes. This study is observational basis. It means that not interfering with subject or survey respond. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि आप ये देखिए longitudinal study. ठीक है, longitudinal study क्या होती है, जिसमें हम एक ही विषय के कई रूप देखते हैं। यानी कि हम एक ही समय में एक विषय को हमने पकड़ा हुआ है, हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं पर उसके हम कई लेयर्स को देख रहे हैं अच्छे तरीके से, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये फ़ायदा होता है कि देखिए इसमें फ़ायदा क्या सबसे बड़ा है, इसमें ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ें हम जो जिस चीज़ के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं अगर उसमें कुछ चेंजेस होता है तो हमें वो पता चलता रहता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वो स्टडी है जिसमें हम किसी चीज़ के ऊपर एक सब्जेक्ट के ऊपर में कोई भी अगर सर्च कर रहे हैं अगर उसमें कोई चेंजेस हो जाए तो हमें वो पता चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कई प्रकार के हैं। देखिए पहला होता है पैनल स्टडी। अब पैनल स्टडी में क्या होता है कि अब देखिए सेम सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक ही चीज़ को पकड़ा हुआ है पर वो अलग अलग समय में उसको देख रहे हैं। यानी कि चीज़ तो एक ही है पर इसको अलग अलग समय में देखा जा सकता है, देख रहे हैं, वो होती है पैनल स्टडी। पैनल स्टडी में होता है ना कि जैसे इकट्ठे 10-15 जाने बैठ के उसको देखते हैं, यानी कि चीज़ तो एक ही है पर इसको अलग अलग समय में देखा जा रहा है।
कोहर्ट, कोहर्ट क्या होता है, देखिए रिसर्चर आइडेंटिफाई सम कैटेगरी ऑफ पीपल हु शेयर ए कॉमन करेक्टरिस्टिक्स और एक्सपीरियंस विद इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. देखिए इसमें क्या है कि जो रिसर्चर है ठीक है, वो ऐसे लोगों की पहचान करती हैं जो अलग अलग समय के अंदर भी जिनमें एक सा अनुभव या एक सा विशेषताएँ होती है. देखिए इसमें क्या है कि जैसे रिसर्चर ये देखे कि लोगों में क्या है कि एक ही विशेषताएँ हैं, यानी कि लोगों में सभी में एक्सपीरियंस है, यानी कि कुछ लोग बहुत सारे इंटेलिजेंट हैं सब एक तरफ कर दिए ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ख़राब है वो एक तरफ कर दिए, और वो समय के हिसाब से ऐसे देखते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देखते हैं ना कि एक रिसर्चर ये फाइंड करेगा कि ये देखिए कि अलग अलग समय में यानी कि जो भी लोग हुए हैं उनमें एक ही कॉमन बात थी, वो इतने महान थे, है ना. तो वो होता है कोहर्ट. नेक्स्ट है ट्रेंड स्टडी. ट्रेंड स्टडी में क्या है, डिफरेंट ग्रुप पीपल एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम सेम पॉपुलेशन. इसमें क्या है, एक ही समय में अलग अलग समूह के लोग अलग अलग बिंदुओं पर विचार करते हैं. देखिए डिफरेंट ग्रुप ग्रुप हो गया ना पीपल का, वो क्या करते हैं कि अलग अलग लोग हैं अलग अलग समय के ऊपर एक ही पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है सब्जेक्ट ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके पास डाटा है, यानी कि डाटा है कि समय भी अलग अलग है, लोग भी अलग अलग है, उसके ऊपर जो है वो रिसर्च करते हैं, वो होता है ट्रेंड स्टडी. ट्रेंड स्टडी में आप ये मान के चलिए कि जैसे ही मान के चलिए कि UGC नेट की स्टडी है ना, तो ये देखो कितने लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर भी, हमारा चैनल भी, कई और भी हैं, स्टडी तो एक ही है पर वो डिफरेंट तरह डिफरेंट लोग पढ़ा रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर पढ़ा रहे हैं, तो वो हो गया ट्रेंड स्टडी. तो नेक्स्ट आ गया हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च. देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा इज एनी डाटा दैट इज इन न्यूमेरिकल फॉर्म सच एज स्टैटिक्स परसेंटेज एटसेट्रा. क्वांटिटेटिव रिसर्च इज वाइडली यूज इन साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, डेमोग्राफी, सोशोलॉजी, मार्केटिंग ठीक है फ्रेंड्स. इसमें देखिए कम्युनिटी हेल्थ, हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर एंड पॉलिटिकल साइंस. देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले बात आती है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांट का मतलब होता है गुणात्मक, सॉरी संख्यात्मक, क्वांट का मतलब होता है संख्यात्मक ठीक है फ्रेंड्स. ये कौन सी रिसर्च है जिसमें स्टैटिक्स को यानी कि जिसमें संख्या को या जिसमें क्वांट को देखा जा सकता है ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हम चीज़ों को परसेंटेज में डिवाइड करते हैं, नंबर्स में डिवाइड करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च ठीक है फ्रेंड्स. यानी कि एक ऐसी रिसर्च है जिसको एक हम गिनकर देख सकते हैं, जिसमें नंबर वगैरह होते हैं ठीक है फ्रेंड्स. ये कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है, ये साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, डेमोग्राफी में, सोशल में, मार्केटिंग में ठीक है. तो जिसमें हेल्थ हो गया, हेल्थ और ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, इसमें ये यूज़ होता है ना इकॉनमी में, यहाँ पे इतने करोड़ लगे, वहाँ पे इतना घाटा हो गया, वो नंबर में होता है ना, वो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च. नेक्स्ट आ गया क्वालिटेटिव रिसर्च. देखिए इसमें क्या आएगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च ऑन द अदर हैंड इंक्वायरी डीपली इनटू स्पेसिफिक एक्सपीरियंस विद द इंटेंशन ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लोरिंग मीनिंग थ्रू टेक्स्ट, नरेटिव एंड विजुअल बेस्ड डाटा. इट फोकस ऑन वाई रैदर देन व्हाट. देखिए फ्रेंड्स क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, गुणात्मक, यानी कि चीज़ें जो रिसर्च है, जो कोई टॉपिक है, जो कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, ये एक देखते हैं कि इसमें खासियत क्या है ठीक है फ्रेंड्स. अगर कोई चीज़ पेश की जा रही है उसमें खासियत क्या है, तो जो रिसर्च की जा रही है वो कैसे दूसरे से अलग है ठीक है, उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च. ये ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं, वाई पे, यानी कि चीज़ें क्यों ऐसी हैं, ना कि क्या है. यानी कि ये ऐसी रिसर्च है जिसमें ये नहीं देखा जाता कि चीज़ें है क्या, इसमें देखा जाता है कि चीज़ें क्यों ऐसी हैं ठीक है, उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च. तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर. तो फ्रेंड्स अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू.